नगर परिषद न्यू रामनगर के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त दी है। इस चुनाव में कांग्रेस की दीपा दीपू मिश्रा ने भाजपा प्रत्याशी सुनीता राम सुशील पटेल को हरा दिया है। नगरीय निकाय उपचुनाव के बाद नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन दो प्रत्याशियों के बीच हुआ। परिषद में कांग्रेस के 5 पार्षद तथा भाजपा के 8 पार्षद और 1 निर्दलीय पार्षद है। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दीपा दीपू मिश्रा को 8 मत मिले तथा भाजपा प्रत्याशी सुनीता राम सुशील पटेल को 7 मत मिले और कांग्रेस से दीपा दीपू मिश्रा विजय घोषित हुई। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 एवं 11 में निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद उपचुनाव में दोनों वार्डो में भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद अध्यक्ष पद खाली हो गया था। नगर परिषद अध्यक्ष के पद का चुनाव कंडक्ट करवाया गया। अध्यक्ष के पद में 2 नॉमिनेशन पत्र प्राप्त हुए थे हमें, दीपा दीपू मिश्रा एवं सुनीता का, और उसमें जब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और मतगणना उपरांत जो वोट्स मिले हैं वो इस प्रकार हैं कि दीपा दीपू मिश्रा को 8 मत प्राप्त हुए हैं और सुनीता को 7 मत प्राप्त हुए हैं। अतः दीपा दीपू मिश्रा अध्यक्ष पद हेतु विजयी। ये मेरी लड़ाई अभी तत्कालीन नहीं है, पिछले 15 वर्षों से चल रही थी सत्य के लिए ही, जो जा करके अभी निर्वाचन शून्य उपरांत तो मन में एक निराशा थी क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बाढ़ हार चुके थे। फिर भी मुझे ऊपर वाले पर विश्वास था कि वह सत्य के मार्ग पर चलने के लिए एक बार मुझे अवसर जरूर देगा और सत्य धर्म और अपने समाज अपने नगर परिषद के अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को चला सकूं, अपने सभी सहयोगी साथियों को जिनकी अटूट मेहनत से मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदा की नगरी अपने रामनगर को रामनगर बनाना है। मेरा पहला प्लान शहर को विकसित करना ही रहेगा क्योंकि रामनगर को हम रामनगर बनाएंगे। जैसे कि अभी कल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे रामनगर में जो भी कमियाँ हैं विकास की उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।